देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद। मैं हूं आपके साथ हिंदुस्तान की बेटी शालिनी कपूर तिवारी। कुछ सियासी पार्टियों को वोट की खातिर देश पर चोट करने से भी परहेज नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदू और मुसलमानों की जन्म दर को लेकर के जिहादी सुर आलाप दिया है। दिग्विजय सिंह का यह कहना है कि मुसलमानों का जन्म दर हिंदुओं के मुकाबले तेजी से गिर रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो 2028 तक दोनों को जन्म दर बराबर हो जाएगा। मैं हिंदुस्तान की बेटी दिग्विजय सिंह से ये पूछना चाहती हूं कि 2028 तक हिंदू मुसलमानों का जन्म दर अगर बराबर हो जाएगा तो इसमें कौन सी आफत आ जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिग्विजय सिंह मुसलमानों को यह समझाना चाह रहे हैं कि अपना जन्म दर तेजी से बढ़ा लो? मैं हिंदुस्तान की बेटी दिग्विजय सिंह को यह बताना चाहती हूं कि बंटवारे के वक्त तब के पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि मौजूदा पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 14% थी, लेकिन बंटवारे के महज 4 साल के बाद हिंदुओं की आबादी एकदम से धड़ाम होकर के 1.3% रह गई। अगर यही हाल तब के पूर्वी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश का भी रहा, 1951 में पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 22% थी जो 2011 में गिर करके 9.5% रह गई। इसके उलट बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में मुस्लिमों की आबादी 9.8% थी जो कि अब बढ़ के करीब 20% हो गई है। मैं हिंदुस्तान की बेटी आपसे यह कहना चाहती हूं कि किसी की आबादी बढ़ने या फिर घटने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति मुझे उन लोगों से है जो कि इन आंकड़ों को छुपा करके फर्जी आंकड़ों के जरिए मेरे हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। दिग्विजय सिंह या उनके जैसे नेताओं के हिंदू मुसलमान करने से कम पूरी तस्वीर जनता को आज मैं दिखाने वाली हूं। आधी अधूरी बातें बता करके मुसलमानों को गुमराह करने या डराने की कोशिश ना करें। अब लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। जो कमजोर है, जिस पर जालिम जुल्म कर रहा है, उसका पाप असलती ओबेसी है। ओबेसी इस देश के अंदर सदा विभाजनकारी नेता रहा है। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। 10-20 साल बाद मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। भगवान उसको सद्बुद्धि दे और वह कांग्रेसी होकर कांग्रेस की बर्बादी ना करे तो ज्यादा अच्छा है। चुनावी मंच पे मनोरंजन मानुषों की एक बड़ी लंबी कतार रहती है और चुनावी मंच पे इस तरह के मनोरंजन मानुषों की बातें आपको समय समय पर सुनाई पड़ेगी। अब मनोरंजन लीजिए, एंजॉय करिए। सियासत के लिए सनातन से साजिश। मुसलमानों की जन्मदर जितनी तेजी से घट रही है उतनी तेजी से हिंदुओं की जन्मदर नहीं घटी है। हिंदू मुस्लिम फसाद का सियासी जिहाद। हमको अपना चचा जान लेते उत्तर प्रदेश का जो भी गरीब है, जो कमजोर है, जिस पर जालिम जुल्म कर रहा है, उसका पाप असलती ओबेसी है। जनसंख्या जिहादी चाहे हिंद की बर्बादी। हाँ, अगर तुम समझते हो कि गरीबों का बेसुबानों का वोट बैंक का नशा हमारे देश के सियासतदानों पर कुछ इस कदर सवार है कि हिंदुस्तान के भले बुरे की सोच भी उनके दिमाग से निकल चुकी है। वोट मिले तो ये देश पर चोट करने से भी परहेज करने वाले नहीं हैं।
आतंकवादियों को बम विस्फोट के लिए उकसाने के आरोपी भगोड़े जाकिर नाइक को मसीहा बताने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अब इस गम में दुबले हुए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जन दर हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा तेजी से गिर रही है। आप दिग्विजय सिंह का पूरा बयान सुनिए और खुद तय कीजिए कि वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं या कि गिरती जन दर पर आगाह कर रहे हैं। 1951 से लेकर आज तक मुसलमानों की जन दर जितनी तेजी से घट रही है उतनी तेजी से हिंदुओं की जन दर नहीं घटी है। दिग्विजय सिंह इस आधे अधूरे सच को ऐसे उजागर कर रहे हैं मानो हिंदुओं की जन दर मुस्लिमों के मुकाबले कम तेजी से गिरने का उनको बहुत ज्यादा मलाल है। सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह इस बात को इतना ज्यादा तूल क्यों दे रहे हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह के निशाने पर वो लोग हैं जो हिंदुओं को आगाह करते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी जितनी तेजी से बढ़ रही है वो दिन दूर नहीं जब मुसलमान यहाँ बहुसंख्यक हो जाएंगे, और जब बहुसंख्यक हो जाएंगे तो 1990 में जो भयावह मंजर कश्मीर ने देखा था वही मंजर पूरे हिंदुस्तान को देखना पड़ सकता है। दिग्विजय की माने तो ये धारणा सच्चाई से कोसों दूर है। ये कहते हैं कि मुसलमान क्या क्या बीवी कर लेते हैं, दर्जनों बच्चे पैदा कर देते हैं और 10 साल 20 साल बाद मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मैं चुनौती देता हूं जो भी मुझसे चर्चा करना चाहे कर ले। हिंदुस्तान को बार बार सेकुलर देश बताने वाले दिग्विजय सिंह के पास कुल जमा हिंदू मुसलमान के सिवा दूसरा कोई मुद्दा होता ही नहीं है। दिग्विजय सिंह को घोषित आतंकी सामाजिक कार्यकर्ता लगते हैं और सनातन धर्म को बचाने वाले संगठन आतंकी लगते हैं। एक नजर देखिए दिग्विजय के दामन पर इस तरह के कितने दाग चस्पा है। आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को आतंकवादी गुट कहने की वजह से उन्हें कानूनी पचड़ों में फंसना पड़ा। 2008 के मुंबई हमले में शहीद पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे की हत्या के पीछे हिंदू संगठनों का हाथ बता चुके हैं। अलकायदा के कुख्यात सरगना ओसामा बिन लादेन को बड़े आदर के साथ ओसामा जी कह चुके हैं। हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद को साहब के संबोधन से नवाज चुके हैं। जिस बटला हाउस एनकाउंटर में दो पुलिस वाले शहीद हो गए थे उसे फर्जी बता चुके हैं। दिग्विजय सिंह के इन बयानों की वजह से कांग्रेस पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन रह रहकर वो जुबानी फायरिंग कर ही डालते हैं। भगवान उसको सद्बुद्धि दे और वह कांग्रेसी होकर कांग्रेस की बर्बादी ना करे तो ज्यादा अच्छा है, पर उसने ठाना है कि कांग्रेस उससे बर्बादी करवा रही है और वो कांग्रेस की बर्बादी कर रहा है। दरअसल मुस्लिम वोट बैंक की जागीरदारी हासिल करने के लिए इस देश में कई सियासी दलों में होड़ लगी हुई है। दिग्विजय इस मैराथन में कांग्रेस को गोल्ड मेडल दिलाने के लिए जी जान से जुटे रहते हैं, लेकिन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ समय से दिग्विजय सरीखे नेताओं की दुकान बंद करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। ओवैसी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के असली अब्बा जान वही है। कुल मिलाकर हिंदुस्तान जैसे सेकुलर देश की सियासत हिंदू मुसलमान के माया जाल में बुरी तरीके से जकड़ चुकी है। मजहबी फसाद से जब सत्ता का ताला नहीं खुलता तो हिंदुओं के भीतर जातिवाद का जहर पैदा किया जाता है, उन्हें दलित, पिछड़ा, अगड़ा के नाम पर भड़काया जाता है और अलग अलग जातियों के नाम पर छोटी छोटी सियासी दुकानें सजा ली जाती हैं। पर अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान का मतदाता हाल के दिनों में बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया है। वो अपने वोट की कीमत समझने लगा है, जिसकी वजह से मजहब और जाति के नाम पर सियासी दुकान छानने वाले हाशिए पर धकेले जाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने सियासी गोल को ध्यान में रखकर दिग्विजय सिंह ने किक मार दिया है, लेकिन वो असली सच्चाई छुपा गए हैं या फिर शायद छुपाने की साजिश की है। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती है। मैं हिंदुस्तान की बेटी, आज राष्ट्रवाद में दिग्विजय के सच और झूठ का पूरा हिसाब करूंगी। साथ में 2028 में हिंदू मुस्लिम जनता बराबर होने से जनसंख्या बैलेंस रहने का जो झूठ दिग्विजय सिंह ने बोला है
उसके सियासी और मजहबी मायने भी आपको बताऊंगी। अपने सियासी फायदे के लिए दिग्विजय सिंह से लेकर के ओवैसी और अखिलेश यादव जैसे नेता हम 40 और हमारे 40 वाले फॉर्मूले को सही साबित करने में लगे हैं। आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए वो सच्चाई छुपा रहे हैं और सनातन से विश्वासघात की साजिश कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान की बेटी आज राष्ट्रवाद में बताऊंगी कि देश के तमाम हिस्सों में आबादी का बैलेंस बिगड़ चुका है और जिसकी वजह से हिंदुओं को पलायन करने को मजबूर भी होना पड़ा है। हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है और इसके लिए लाखों करोड़ों की फंडिंग भी की जा रही है। अवैध घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जहां चुनाव होने वाले हैं वहां सियासी डेमोग्राफी बदलकर बीजेपी को हराने की साजिश रची जा रही है। सनातन से सियासी साजिश, जनसंख्या जिहाद से जीतेंगे वैसी। दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। जनसंख्या जिहाद पर योगी हंटर, बबुआ का प्लान पंचर। तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा। दिग्गी राजा का 2028 वाला गणित, सियासत के लिए सनातन से फरेब। मुसलमानों की जनता जितनी तेजी से घट रही है उतनी तेजी से हिंदुओं की जनता नहीं घटी है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम आज एनडीएस कर रही है आदरणीय योगी सरकार में, यह हमारी इच्छा शक्ति है। यूपी में आने वाले चुनाव में कांग्रेस को न जनता घास डाल रही है और न तो वो पार्टियां जो हर चुनाव में गठबंधन करके उसकी इज्जत बचा लेती थी, लिहाजा यूपी में उसकी हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी है। दिग्विजय सिंह ने मुस्लिम आबादी के जन्म दर के आंकड़े बताकर सियासी खेल खेला है। उसके निशाने पर भड़काऊ भाईजान ओवैसी और मुसलमानों को अपने पाले में रखने वाले अखिलेश हैं, क्योंकि अगर मुसलमान अखिलेश और ओवैसी से भड़केंगे तभी कांग्रेस का कुछ काम बनेगा, वरना सबसे पुरानी पार्टी के लिए 2022 के दंगल में अमंगल टालना नामुमकिन होगा। लेकिन 2028 तक जिस जनसंख्या बैलेंस की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है वो सिक्के का एक पहलू है। हम राष्ट्रवाद में सिक्के का दूसरा पहलू भी आपको दिखाते हैं ताकि सनातन से साजिश करने वाले कामयाब न हो। लव जिहाद, धर्मांतरण, अवैध घुसपैठिए। दिग्विजय सिंह ने 2028 में हिंदू मुस्लिम जन्म दर का गणित तो समझा दिया लेकिन बाकी फैक्टर छुपा गए। इनमें लव जिहाद, धर्मांतरण और अवैध घुसपैठिए हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बदल रही है। इन्हीं के दम पर ओवैसी जैसे जिहादी नेता सीना ठोक कर यूपी में सरकार बदलने का दम भर रहे हैं। इंशाल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने। सनातन के खिलाफ साजिश में लगा गैंग देश में लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। भोली भाली हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक लव जिहाद में फंसाकर केवल केरल में 30,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया। पिछले साल 4500 लड़कियों को लव जिहाद की साजिश का शिकार बनाया गया। फरीदाबाद में लव जिहाद के झांसे में नहीं आने वाली निकिता तोमर की तौफीक और रेहान ने सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी। लव जिहाद से मासूम हिंदू लड़कियों को बचाने के लिए योगी सरकार ने यूपी में 28 नवंबर को लव जिहाद कानून पास किया जिसमें अब तक 51 आरोपी गिरफ्तार हुए जिनमें 49 अभी भी जेल में है। लव जिहाद के लिए विदेशों से फंडिंग होने की भी जाँच चल रही है। लव जिहाद गैंग पर यूपी में योगी का हंटर चल रहा है। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि धर्म परिवर्तन के लिए जाति शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे।
जनसंख्या जिहाद से देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश में धर्मांतरण को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार का धर्मांतरण गैंग पर डंडा चल रहा है और साजिश रचने वालों की धरपकड़ जारी है। इनमें काजी जहांगीर आलम, जो जामिया नगर दिल्ली के जोगाबाई मोहल्ले का रहने वाला है, जबकि मोहम्मद उमर गौतम का ठिकाना जामिया नगर का बाटला हाउस है। हाल ही में गिरफ्तार कलीम सिद्दीकी यूपी के मुजफ्फरनगर के फूलत का रहने वाला है। मेरठ में गिरफ्तार कलीम सिद्दीकी ने एक कार्यक्रम में दावा किया है कि वो अब तक 5 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। धर्म परिवर्तन के लिए कलीम का मुख्य तरीका लव जिहाद वाला था। वो देश में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ाकर मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश का हिस्सा है। इसी साजिश में शामिल उमर गौतम, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उमर गौतम पर भी मूक बधिर हिंदू बच्चों के धर्मांतरण का आरोप है। धर्मांतरण के रैकेट में शामिल सभी आरोपी गरीब हिंदुओं को पैसे का लालच, शादी का लालच देकर फंसाते थे। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। योगी सरकार ने यूपी में धर्मांतरण गैंग को रोकने के लिए 27 नवंबर 2020 को कड़ा कानून बनाया है। यूपी में जबरन धर्म परिवर्तन कराना संगीन और गैर जमानती अपराध है। धर्म छिपाकर शादी करने में 10 साल की जेल और 25,000 का जुर्माना है। गैर कानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने में 50,000 का जुर्माना है, जबकि 3 से 10 साल की जेल हो सकती है। यूपी में जबरिया धर्मांतरण के हर महीने करीब 7 मामले दर्ज हो रहे हैं। अब तक करीब 70 मामले दर्ज हो चुके हैं। नहीं, अभी ये देखिए कितनी सजग है सरकार, कम से कम धर्मांतरण करने वालों को पकड़ तो रही है। नहीं तो अन्य लोगों के समय तो पकड़ भी नहीं होती थी, धर्मांतरण करते रहते थे, हम चिल्लाते रहते थे। धर्मांतरण करने वालों को कड़ी सी कड़ी सजा भी मिलेगी, चिंता मत करिए। योगी आदित्यनाथ जी, ये जो कन्वर्जन का इलीगल सिंडिकेट उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कन्वर्जन करते थे, चाहे पैसे का लालच हो या अन्य तरह के लालच देके ये कन्वर्जन रैकेट चल रहा था। एक के बाद एक ये इसकी परतें खुल रही है। जनसंख्या जिहाद की साजिश का एक और तरीका अवैध घुसपैठियों को भारत में बसाने का चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी आबादी रोहिंग्याओं की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 40,000 रोहिंग्या बसे हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जम्मू, बंगाल, असम, हैदराबाद और यूपी में है। यूपी एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि अलीगढ़ और कानपुर के अलावा पश्चिमी यूपी की उन विधानसभा सीटों में रोहिंग्या को देश के दूसरे हिस्सों से लाकर बसाया जा रहा है, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, ताकि जनसंख्या जिहाद से वहां के चुनाव नतीजों को बदला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मुसलमानों की जन्म दर कम होने पर चिंतित जरूर है, लेकिन विदेशी फंडिंग से चलाए जा रहे धर्मांतरण जिहाद पर मौनी बाबा बने हुए हैं। लव जिहाद पर उनकी जुबान सिल जाती है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर उनकी सहानुभूति उमड़ने लगती है। मैं हिंदुस्तान की बेटी आपको बताना चाहती हूं कि देश का आम मुसलमान हिंदुस्तान के प्रति वफादार है, लेकिन देश के बाहर बैठे हिंद के दुश्मन हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश को अंजाम देने में जुटे हैं। हिंदुस्तान में धर्मांतरण जिहाद को अमली जामा पहनाने के लिए विदेशों से जमकर फंडिंग भी हो रही है। मैं हिंदुस्तान की बेटी आपको बता दूं कि मेरठ से गिरफ्तार धर्मांतरण जिहादी कलीम सिद्दीकी की असलियत जैसे जैसे सामने आ रही है, वैसे वैसे ये बात खुल रही है कि सनातन धर्म के पीछे किस तरह से हाथ धोकर पड़े हैं जिहादी। खबर यह भी आ रही है कि कलीम सिद्दीकी ने कभी यह दावा किया था कि वो 5 लाख हिंदुओं को मुसलमान बना चुका है। मैं हिंदुस्तान की बेटी दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को यह बताना चाहती हूं कि घटी या बढ़ी हुई जन्मदर समस्या नहीं है, असली खतरा इन जैसे जनसंख्या जिहादियों से है। मुस्लिम बन गए, इन लोगों ने मेरा नाम नूर मोहम्मद रखा है, हाथ पे भी इन लोगों ने बनवा दिया, मेरा ये निशान भी ओम बना हुआ था ये भी मिटवा दिया इन लोगों ने, बजरंग बली बना हुआ था ये भी इन लोगों ने मिटवा दिया मेरे। इसके जो गुर्गे हैं वो इस तरह का शिकार करके लाते हैं और इसको वहाँ पीस सेंटर पर पहुँचाते हैं, वो इनका ब्रेन वॉश करता है वहाँ। सिद्दीकी जी से मिलने से पहले मेरे को यहाँ तक कहा कि भाई अगर तुम इस्लाम आ जाते हो तो हम 10 लाख रुपए देंगे और
हमारे जो है ताल्लुकात दिल्ली तक मौलाना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हमारे। धर्मांतरण जिहाद का खुला खेल फरुखाबादी, हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की साजिश, धर्मांतरण का सबसे बड़ा रैकेट खलास। धर्मांतरण जिहाद का सबसे बड़ा रैकेट चलाने वाले मुजफ्फरनगर के मौलाना कलीम सिद्दीकी को एटीएस ने जब गिरफ्तार किया तो आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने यह बयान दे दिया कि मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज हम मौलाना कलीम सिद्दीकी की काली करतूतों की लंबी चौड़ी फहरिस्त लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, कलीम सिद्दीकी का जिहादी नेटवर्क उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और गुजरात तक फैला हुआ था। हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 17 में कलीम सिद्दीकी और उसके 5 साथियों के खिलाफ जबरन धर्मांतरण कराने का मामला दर्ज हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कलीम सिद्दीकी आज से नहीं बल्कि एक दशक या उससे पहले से जिहादी मुहिम में जुटा हुआ है। पुलिस की माने तो कलीम सिद्दीकी के सिंडिकेट ने फरीदाबाद सेक्टर 17 की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले विनोद को काफी पहले अपने जाल में फंसा लिया और पैसे का लालच देकर विनोद से नूर मोहम्मद बना दिया। कलीम के सिंडिकेट का असली मकसद विनोद से नूर मोहम्मद बने इस युवक को आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजना था। पाकिस्तान भेजने से पहले विनोद को गुजरात और यूपी के जिहादी कैंप में भेजा जा चुका था। लेकिन साल 2018 में विनोद की आंखें खुल गई। वो इनके चंगुल से भाग निकला और 2 साल तक गुमनामी के अंधेरे में रहा। विनोद अब खुलकर कलीम सिद्दीकी के सिंडिकेट के राज खोल रहा है। बोलते थे कि तुमने अच्छा किया जो इस्लाम धर्म को कबूल किया ना, इसी पे जमे रहो, और ये जो गैर मुस्लिम होते हैं मुसलमानों से जलते हैं फिरते हैं, ये हमको मारने के लिए वो कर रहे हैं, तैयारी चल रही है इनकी, तो ना तो ये दुनिया से ही जलाना इनको शुरू कर दिया जाता है, तो मरने के बाद तो वैसे भी जलेंगे, ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बात बता देते हैं। कलीम सिद्दीकी के नेटवर्क पर खास तौर से गरीब हिंदू होते थे जिन्हें पैसे का लालच देकर या डरा धमका कर आसानी से अपने जाल में फंसा लिया जाता था। धर्मांतरण जिहाद को आसानी से अंजाम देने के लिए ये गरीब हिंदुओं को ट्रिपल पैक का फोल्डर ऑफर करते थे। वो ऑफर है पैसा, जन्नत और खून। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने मुजफ्फरनगर के छपार गांव के एक शख्स को 10 लाख रुपए का लालच, दूसरी शादी और जन्नत का लालच देकर कलमा पढ़वाकर अरविंद से अकबर बना दिया। अरविंद जब अकबर बन गया तो इस सिंडिकेट ने उसे 10 लाख रुपए की जगह ठेंगा दिखा दिया। अरविंद ने दोबारा जब हिंदू धर्म में लौटने की बात कही तो उसे धमकियां दी जाने लगी। बाद में हिंदू जागरण मंच ने थाने पर धरना देकर अरविंद की तरफ से FIR दर्ज करवाई। अरविंद अब अपने साथ हुई सारी आपबीती बता रहे हैं। सिद्दीकी जी से मिलने से पहले मेरे को यहाँ तक कहा कि भाई अगर तुम इस्लाम आ जाते हो तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे और हमारे जो है ताल्लुकात दिल्ली तक मौलाना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हमारे, और जो उनके साथ में एक लड़की बबली नाम की आती थी उसने मेरे को कहा कि मैं भी पहले हिंदू थी मैं मुसलमान बन गई, इन्होंने जो है ना मुझे भी 10 लाख रुपए मिले थे और उनका इन्होंने मुझे मकान ले कर दिया। इस तरीके से मुझे उसमें कागज भी दिखाए, मैं नाले की मैं पढ़े नहीं, लेकिन जब ऐसा करता सच्ची बोल रही होगी। विनोद और अरविंद जैसे न जाने कितने ही भोले भाले हिंदू हैं जिन्हें कलीम सिद्दीकी अपने जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करवा दिया गया। दरअसल ये मौलाना ये सब खुद पैसों के लालच में करता था, क्योंकि ATS को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि मौलाना को धर्मांतरण जिहाद के लिए विदेशों से मोटी रकम मिलती थी। ATS के मुताबिक कलीम सिद्दीकी को 3 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। इनमें 1.5 करोड़ अकेले बहरीन से इसके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। पाकिस्तान से भी फंडिंग के सबूत ATS को मिले हैं। साफ है कलीम सिद्दीकी सनातन धर्म में सेंधमारी का खतरनाक खेल खेल रहा था। हालांकि मौलाना कलीम के करीबी साथी मोहम्मद शारी को इसकी गिरफ्तारी का बेहद रंज है। मोहम्मद शारी को लगता है कि ATS ने सिर्फ मुसलमान होने की वजह से कलीम को गिरफ्तार कर लिया है। जी मीडिया ने मौलाना कलीम के बेहद करीबी मोहम्मद शारिक से बात की तो उसने बताया कि कलीम गिरफ्तारी से पहले उसके घर आया था जहां दोनों ने खाना खाया और बातचीत की। लेकिन धर्मांतरण के आरोपों को लेकर मोहम्मद शारिक ने कहा है कि अगर ATS के पास कोई ठोस सबूत है तो सामने लाए। शारिक जी, मौलाना कलीम सिद्दीकी को आप कैसे जानते हैं और कब से जानते हैं?
देखिए, मैं उनके एक स्टूडेंट हूँ और मैं तकरीबन 7 साल उनके मदरसे में पढ़कर आया हूँ। मैंने पहले उनसे कहा था कि जी आप थोड़ा सा सेवा का मौका हमें भी दीजिए, कभी मेरठ को निकलना हो आपको। तो वो परसों मेरठ यहाँ आए, मेरठ में हुमायूं नगर, और तकरीबन यहाँ पर आध घंटा रहे, वो खाना वाना खाया और खाना खा के जो वो यहाँ से चल दिए। फिर बाद पता चला कि उनको यानी ATS टीम उनको उठा के दे गई है। धर्मांतरण करने के आरोपी हैं वो लोगों को डरा के या प्रलोभन देके, लालच देके उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे। इसमें ATS टीम कोई सबूत तो पेश करे इस मामले में, अगर किसी के साथ उन्होंने ज़बरदस्ती धर्म बदलवाया है या किसी का ज़बरदस्ती की है या किसी को लालच दिया पैसे का, वो अपना सबूत पेश करें इस सिलसिले में। दरअसल कलीम देश में सबसे बड़ा धर्मांतरण नेटवर्क चला रहा था। कलीम के कई ऑडियो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो खुले तौर पर धर्मांतरण की बात कह रहा है। नौ मुस्लिम लड़कियां अभी आजकल उसमें वो सारी चीजें हो रही, जरा अलग से तो हम इंशाल्लाह देखेंगे करेंगे कुछ करेंगे। वो इससे पहले आए थे लेकिन वो बोले कि छोटी जात के है, कोई बोले थे फिर वो भाई तो वैसे में रमजान में थी कुछ बेचारी बच्चियां, वो फिर चली गई। अब आप देखिए कुछ जरा अनलॉक हो जाए, थोड़ा सा ये लॉकडाउन कम होगा तो फिर वो मैं रास्ता करूंगा। तुम लोगों ने भेजा था लेकिन उन्होंने कहा कि छोटी जात की इसलिए हम नहीं भेज, वो उन्होंने कहा ब्राह्मण वगैरह या क्षत्रिय को बड़ी जात होती है तो जम जाता है छोटी जात। मैंने कहा सही है वैसा है तो किसी ने भी बताया था वैसा भी है क्या ये उन लोग मतलब खानदान। कहने की जरूरत नहीं है कि ये मौलाना बड़े ही शातिर तरीके से हिंद के सीने में खंजर फूंकने की मुहिम में जुटा हुआ था। ATS को अभी इसके 5 और साथियों की तलाश है जिनके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक प्रोग्राम में कलीम से एक मौलाना ने जब ये कहा कि आपने अब तक 5,000 हिंदुओं को तो मुसलमान बनवा ही दिया होगा, तो कलीम ने जवाब दिया कि उसने अब तक 5,00,000 हिंदुओं को मुसलमान बनवाया है। बहरहाल मौलाना के इस खतरनाक सिंडिकेट की हवा योगी की पुलिस ने निकाल दी है। ऐसे लोगों को हम जेल में डालने का काम कर रहे हैं जो लोग देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं या देश में धर्मांतरण जैसा काम कर रहे हैं या देश में विदेशों से आग लगाने के लिए फंडिंग करा रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम आज ATS कर रही है आदरणीय योगी सरकार में। यह हमारी इच्छा शक्ति है, वो उनका तुष्टिकरण था। तो यह है हमारे में और उनमें अंतर, यह विचारधारा का अंतर है। दरअसल हिंदुस्तान में गजवाए हिंद लाने की साजिश पाकिस्तान में रची जा रही है क्योंकि पाकिस्तान को यह लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बहुसंख्यक बनाकर वो इस देश की जड़ें खोद सकता है। हालांकि पाकिस्तान को नहीं पता कि हिंदुस्तान की जड़ें खोदने के चक्कर में वो खुद अपनी बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुस्तान के दुश्मन जनसंख्या जिहाद कर इस्लामिक राष्ट्र बनाने पर इसे तुले हुए, लेकिन हमारे देश के कई नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए सियासी जिहाद पर अड़े हैं। मैं हिंदुस्तान की बेटी अपने देश के लोगों को आगाह करती हूं कि जनसंख्या जिहाद वाली साजिश को आप समझें। जो लोग डेमोग्राफी बदल करके अपना सियासी मुस्तकबिल बदलना चाहते हैं उन्हें करारा जवाब दे ताकि देश में वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो। सियासत की जिहादी ब्रिगेड हिंदुओं को दलितों और अलग अलग जातियों में बांटकर एक साजिश रच रही है ताकि मुसलमानों का सॉलिड वोट बैंक चुनावी नतीजे बदल सके, और अगर ये साजिश सफल हुई तो राष्ट्रवाद कमजोर पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रवाद उनकी साजिशों को सफल नहीं होने देगा, उनकी हर साजिश की तह तक जाएगा और आपको सच्चाई बताता रहेगा। सत्ता के लिए सियासी जिहाद, सनातन से खिलवाड़। हाँ, अगर तुम समझते हो कि गरीबों का बेजुबानों का साथ देना अब्बा बनाता है तो मैं तुम्हारा भी अब्बा हूं, याद रखो। 20% घमासा, बुआ बबुआ ओवैसी में संग्राम। हम तराजू का वो पल्ला है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा। यूपी के दंगल में 20% मुसलमानों पर क्यों मचा है कोहराम, इसे समझने के लिए जरा यूपी का सियासी नक्शा समझ लीजिए। यूपी के 10 जिलों में 32% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं।
इनमें मुरादाबाद और रामपुर में 50% से ज्यादा वोटर मुसलमान हैं, जबकि बिजनौर, शामली और मुजफ्फरनगर में 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। बलरामपुर में 37% से ज्यादा, बरेली में 34% और मेरठ में 34% से ज्यादा मुसलमान वोटर बसे हैं। वहीं बहराइच में 33 और संभल में 32% से ज्यादा वोटर हैं। बहराइच और संभल में भड़काऊ भाईजान रैली कर चुके हैं और मुसलमानों को उकसाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। ओवैसी ने दोनों जगहों पर गाजी सालार का नाम लिया, जो एक मुस्लिम आक्रांता था, यानी ओवैसी तालिबानी विचारधारा को हवा देकर मुसलमानों को भड़काने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यूपी में योगी का दो टुक जवाब है कि तालिबानी सोच वालों का पूरा और पक्का हिसाब होगा। तालिबान किस प्रकार की बर्बरता ढा रहा है अफगानिस्तान में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन किस बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किया जा रहा है, इसीलिए कहा गया कि जो भारत विरोधी गतिविधियों में, महिला विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों का समर्थन करेगा, कानून के दायरे में लाकर के बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन ओवैसी जिन 20% मुसलमानों के दम पर यलगार करने की सोच रहे हैं, उनके तलबदार कई और हैं। इनमें अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर शामिल हैं। इनमें सियासत की लैला ने ओपी राजभर को अपना मजनू बनाने की कोशिश की थी। हालांकि मजनू का दिल कभी इधर कभी उधर डोल रहा है, लिहाजा यूपी में लैला का खेला ज्यादा जम नहीं पा रहा। वो मुसलमानों को भड़का कर उनका वोट हासिल करने की फिराक में है। अरे जालिमों, तुम गलती कर रहे हो, हमारी ज़बानें आपकी गुलाम नहीं है, हम महकूम नहीं है आपके। लैला हर वो दांव चल रही है जिससे मुसलमान भड़के और वैसी के पीछे दौड़े। वो जय श्री राम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, लेकिन ख्वाब यूपी में बड़ा सियासी उलटफेर का है। डाकू के कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं कि वो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भगवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? वोट के लिए वैसी अब चचा जान और अब्बा जान का बाप बनने चले हैं।